नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। यूपी बोर्ड परीक्षा में सरकार नकल रोकने के लिए लाख दावे करे लेकिन नकल माफिया नकल कराने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इलाहाबाद कौशाम्बी के बॉर्डर पर बने पिपरी के गांव खटांगी में कन्हई सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक अपने कमरे में गणित का पेपर फोटो स्टेट कराकर बांटने की फिराक में था, तभी इलाहाबाद डीआईओएस की टीम ने यहां पर छापा मार दिया जिसमें हाई स्कूल का गणित का पेपर फोटो स्टेट किया जा रहा था। इस मामले में स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ पिपरी थाने में FIR करा दी गई है, जिनके पास से एक फोटो स्टेट की मशीन और नकल सामग्री बरामद की है। DIOS ने गणित की परीक्षा रद्द करने की संस्तुति भेजी है। पिपरी की पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही स्कूल के प्रबंधक हैं जो नकल विहीन परीक्षा कराने में सरकार की मंशा को फेल करने की फिराक में था, लेकिन इनकी ये मंशा इलाहाबाद की DIOS टीम ने फेल कर दिया है और नकल की सूचना पर प्रबंधक के कमरे से हाई स्कूल का गणित का पेपर और कापियां और नकल सामग्री के साथ फोटो स्टेट मशीन मिली है, जिससे ये पेपर को फोटो स्टेट कराकर बांटने की कोशिश में थे। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर पिपरी थाने में FIR दर्ज कर दी गई है। इलाहाबाद के SDM द्वारा कायम SDM एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक कॉलेज के प्रिंसिपल पे मुकदमा कायम कराया गया है। प्रिंसिपल को थाने में अरेस्ट करके दिया गया है। कुछ नकल की सामग्री दी गई है, जो नकल अधिनियम की धाराएं हैं उनमें मुकदमा कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।